श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री यज्ञ नारायण भगवान की, श्री अयोध्यानाथ की, श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री राम जी महाराज की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री द्वारकाधीश भगवान की, दादा गौरव हनुमान की जय, श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की जय, श्री हाथीवान जी महाराज की जय, श्री समाधि वाले बाबा की जय, श्री प्रेतराज महाराज की जय, श्री हिंगोटा वाले महाराज की जय, पुष्पावती गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, संत भगवान की जय, सत्सनातन धर्म की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए परम पूजपा सतगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की, श्री पंडोक सरकार त्रिकालदर्शी देवद्वार में श्रद्धा मंच के माध्यम से अमावस्या पर्व से दशमी तक चलते होने वाले पर्व को अब 300 परिवर्तन किया गया है, जहां प्रति माहे 12 मास दैहिक दैविक भौतिकता आदि संकीर्णार्थ निवारणार्थ श्री पंडुका सरकार त्रिकालदर्शी देव दरबार में अर्जी और प्रार्थना लगाने मात्र से आपके प्रेत बाधा का निवारण होता है। हनुमान पंच अखाड़े में बैठने मात्र से सुबह दोपहर शाम आपकी बड़े से बड़े संकट का निवारण होता है। पुष्पावती में स्नान करने मात्र से आपकी संपूर्ण व्याधियों का छुटकारा होता है। और श्री पंडुक सरकार दरबार आपकी संपूर्ण व्याधियों का समाधान का केंद्र पंडोकर धाम है, जो प्रात स्नान ध्यान कर श्री पंडोकर सरकार के आरती के दौरान छींटे प्राप्त करें, फिर उसके बाद आश्रम परिसर क्षेत्र में आकर के दर्शन करें, यज्ञ परिक्रमा करें, नारियल वंदन करें, तो आपकी संपूर्ण प्रकार की अर्जी सुनवाई हो जाती है। अभी 9 जून से 11 जून तक इंदौर में दिव्य दरबार निःशुल्क, आप लोग दरबार का लाभ उठाएं। 9 जून से 11 जून आयोजक ब्राट जनसेवा समिति मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता श्री तुलसीराम सिलावट जी और चिंटू सिलावट जी के सहयोग से जन कल्याणार्थ, लोक कल्याणार्थ, परमार्थ के भाव से श्री पंडोकर सरकार सत्संग एवं आशीर्वाद और दैहिक दैविक भौतिक ताप आदि संकट के निवारणार्थ ये पंडोकर सरकार दरबार इंदौर में सजने जा रहा है, दिव्य दरबार होने जा रहा है, जिसमें झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, राजस्थान आदि से जहां भक्त लोग सहज पहुंच सकते हैं तो आप लोग पहुंचे, 3 दिवसीय दरबार का लाभ उठावें, अपनी किसी से सिफारस ना करावें, शांतिपूर्वक बैठे, वहां किसी को भी किसी भी जगह से बुला लिया जाएगा, वहां कोई टोकन नंबर वितरण नहीं किया जाएगा, आपको नाम दर्ज या इशारे से या आपकी पहचान बताकर या नाम लेकर
साथ में आपके पिता का नाम लेकर, पति का नाम लेकर, पत्नी का नाम लेकर के बुला लिया जाएगा और संयम सहित आपको उठाया जाता है। जैसे आपने दरबार में देखा ही होगा कि यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं होती है। जब आपका नंबर आता है तो नाम दर्ज बुलाया जाता है। यदि एक नाम के दो व्यक्ति खड़े होते हैं तो उनको क्रॉस भी कर दिया जाता है कि अमुक व्यक्ति के अमुक परिजन से संबंध जो रखते हों वो आ जाए। ऐसे पंडों का सगाई दरबार की महिमा है और नीम वृक्ष का दर्शन करने मात्र से आपकी परेशानी खत्म होती है। आप लोग को पुनः बता दूं, पंडोकर सगा का दिव्य दरबार इंदौर महानगर में विशाल दरबार होने जा रहा है। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता श्री तुलसी सिलावट जी, तुलसीराम सिलावट जी के सहयोग से और यह चिंतू के माध्यम से यज्ञ होने जा रहा है। में आप लोग दरबार का लाभ उठा सकेंगे। ये दरबार नहीं, महायज्ञ है जिसमें संपूर्ण बाधा का निवारणार्थ दिव्य दरबार सत्संग के माध्यम से समाधान प्राप्त हो सकेगा। बोलिए पंडों का सरकार की, सतगुरुदेव भगवान श्री अतिवान जी महाराज की, श्री समाधि वाले बाबा की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की। आज शनिवार भी है, संपूर्ण अर्जियों श्री हनुमान पंचखाड़े में जाकर के पेशी लगाइएगा। वहाँ जो परिजन लोग साथ जाते हैं साथ रहिएगा, नहीं तो आपके जिनको परेशानियाँ हैं उन मरीजों को दिक्कत आ सकती है, चोट लग सकती है, तो आप अपने अपने मरीज के साथ ही रहिएगा। पुनः आपको भोपाल के सभी भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद। जगह जगह होने वाले दरबार के सभी पुराने और नए भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद। सभी भक्तगण दरबार का लाभ अवश्य उठाएं। जितने भी भक्त जहां जहां पर हैं, आसपास हैं, अपनी कार सेवा लेकर के वहाँ के दरबारों में सम्मिलित हों। आप सबका एक मैसेज आया है कि गुरुजी ये किस जगह पे होने जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं, 9 जून से इंदौर महानगर में 9 जून से 11 जून तक दिव्य दरबार मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता तुलसी राम सिलावट जी, भैया चिंटू सिलावट जी और यह स्थल है हाट मैदान एबी रोड मंगलिया इंदौर में विशाल दरबार का आप सभी भक्त लोग लाभ उठाएं। जय श्री राम, जय पंडुगो सरकार। चालू कर दिया, इसको काट लीजिएगा। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी द्वार में सभी भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद। श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार आप सबकी मनोकामना पूरी करें। दरबार में विलंब हुआ है, आप लोग भी काफ़ी निराश भी हैं क्योंकि नंबर आज भी वही हुआ कि मैं बरहा धाम दर्शन करने गया, वहाँ से आने में लेट हो गए हैं, लेकिन आप सबके नंबर आ जाएंगे। क्योंकि ये भी जरूरी है, शक्ति ग्रहण करेंगे, पावर ग्रहण करेंगे तभी तो पावर देंगे, चार्ज होंगे तभी तो चार्जिंग करेंगे। जब बैटरी चार्ज नहीं हो तो तुमको कैसे चार्ज करेंगे, अब उनको भी तो चार्ज करना है। तो श्री पंडोकर सरकार के दिव्य दरबार को आप लोग आनंद लीजिए। आज जल्दी से दरबार संपन्न करेंगे क्योंकि मुझे बाहर भी जाना है। तो सबसे पहले अपन दरबार में प्रारंभ करते हैं। जिनका नंबर आए
वो आकर के यहाँ बात करेंगे, जिनको कोई भी कमी है, कोई भी चीज, कोई भी अनुष्ठान, कोई भी विधि हमारे द्वारा जो बताया गया है वो सार्वजनिक रूप से भी पूछ सकते हैं, और हमारी विषय पर बताई हुई चीज पर कोई भी आपको संदेह है तो संदेह अनुष्ठान को ना करें, क्योंकि लेकिन पहले एक बार पूछ लें, और सार्वजनिक पूछेंगे तो एक से बढ़ के कई लोगों को भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। बोलिए पंडोका सरकार की, सदगुरुदेव भगवान की, श्री आतिवान जी महाराज की जय, जय श्री राम। जाइए देवी, जाइए जाइए। आप लोगों के नंबर में सबसे पहले जो भक्तों के नंबर आए तो सबसे पहले पर्ची को जरूर पढ़ें। और पढ़ने में नहीं आए तो टोक देना है। पर्ची को लेमिनेशन करा के भी रखना है। सभी प्रश्नों के जवाब पर्चे पर नहीं लिखे होते हैं, सो सभी जवाब एक साथ नहीं दिए जा सकते हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ नहीं दिए जा सकते हैं। तो समय का इंतजार करिएगा, अंगामी दरबार में भी आपको आपके प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो सकता है। आप सभी भक्त लोगों को 9 जून से 11 जून तक होने वाले दिव्य दरबार को इंदौर महानगर में श्री तुलसीराम सिलावट जी एवं चिंटू सिलावट जी के माध्यम से, और साथ ही वहां की जो सेवा समिति है उसके माध्यम से विशाल कार्यक्रम आयोजन मध्य प्रदेश में इंदौर में महादरबार होने जा रहा है, जिसमें आप सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और भारी से भारी संख्या में आकर के पहले से स्थान उचित ग्रहण कर लेवे। दरबार में नंबर अवश्य आएगा, राम नाम संकीर्तन करते रहिएगा, और स्क्रीन पर आप एड्रेस भी देख लीजिए। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की, श्री आतिवान जी महाराज की, श्री समाधि वाले बाबा की जय, जय श्री राम। तुम्हारा वो कहाँ है दूसरा वादा? हाँ क्यों, क्या कर रहे हैं वहां पे? तुम अपना कैमरा चलाया करो, उनको ड्यूटी यहाँ की यहाँ रखे। आज मैं आपकी पर्चियां तत्काल ही देता जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास समय कम है, और आपका जैसा नंबर आता जाए वो शीघ्र ही आते जाए। अपनी बात रखें, पढ़ने में नहीं आए तो टोक दीजिएगा। राखी उर्फ सुमन, किसी का नाम राखी उर्फ सुमन है, ऐसे आइए, हैं तो ऐसे आइए, घूम कैसे आइए। आप लोगों को कितनी बार बोल चुके हैं कि जो पहली बार आते हैं वो इस तरफ बैठेंगे, पुराने वाले इस तरफ बैठेंगे। ये वाला जो केवन है ये पहली बार वाले भक्तों के लिए है, और ये वाला केवन जो है ये पुराने भक्तों के लिए है। यदि किसी का नाम भी बोलता है तो तत्काल दौड़ के आइए। अच्छा नहीं है, हटाया जाता है उनको, दूसरे व्यक्ति को बुला रहा हूं, अब मत आने देना उनको। रोक लगा दीजिए, नहीं आएंगे नंबर इसका, इतना टाइम नहीं है कि मस्ती से चले आ रहे हो। गीता लाल वर्मा, और जो पीछे राखी जी कौन सुमन जी थी वो बैठ जाए, आपका नंबर नहीं है, कैंसिल हो गया, बैठ जाइए।
नाम बोले तत्काल आइए 14 सेकंड के अंदर। बैठ जाइए, पास में आइए, माइक उठाइए वहां पीछे से, चालू है, खोलो उसको। हाँ खुल गया। हाँ कहाँ से आए हो? मैं छत्तीसगढ़ राजनांदगांव जिला का रहने वाला हूँ। मेरा गांव कलकसा है। लिख लें दो। जी अब बोलिए क्या समस्या लेके आए? मैं गुरुजी अभी वर्तमान में जनपद सदस्य हूँ। मोर गांव है जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 2 में आते। मैं हाँ जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 1 में जाके लड़े हूँ और जीते हूँ। तो वो आशा है आने वाला समय में और राजनीतिक में बने रहो, ऐसे करके जनपद सदस्य और बनना चाहता हूँ। आपके आशीर्वाद रही तो आप चाहते हो कि पुनः जनपद सदस्य आप रहें? जी गुरुजी। पहले आप कितने वोट जीते हैं? मैं 25 वोट से जीते हूँ गुरुजी। तो कितने वोट आए थे विरोधी व्यक्ति के? ओकर ही से 1055 के आसपास रही गुरुजी। 1055 वोट आए उसके? जी गुरुजी। और मोर आपके कितने आए? मोर 80 रही गुरुजी। 80 जी गुरुजी। के 82 आए? अब याद नहीं है गुरुजी, एकदम कंफर्म नहीं बता सको। हमने लिखा है जनपद सदस्य मासूल क्षेत्र से हैं। जी गुरुजी। 25 वोट से अंतिम आपकी विजय हुई जी। 1082 वोट के अंतर्गत प्राप्त हुआ है जी गुरुजी। ब्लैक वोट आपका चुनाव चिन्ह था जी गुरुजी। क्या चिन्ह था आपका? ब्लैक वोट गुरुजी। और आने वाले भविष्य में महिला सीट होगी या आप अपने हिसाब से प्रभाव से चेंज करा सकते हैं तो करा लीजिएगा, विजय होंगे, पुनः आशीर्वाद है जी गुरुजी। वैसे आपका योग अन्य सीट से बनता है, आशीर्वाद है जी गुरुजी। गुरुजी लेकिन अवसर मोर पास 2 है, जैन में गांव में रिथो मोर क्षेत्र क्रमांक 2 है, जी हाँ सभी जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 1 है, तो ऑप्शन 2 है मोर पास, तो आप जैन में आशीर्वाद दो, वहीं से लड़ूं पूरी छत्तीसगढ़ से लड़ना जी गुरुजी। मतलब आप ऑप्शन लेके चलते हैं, ऑप्शन लेके चल रहे हो, जाओ भाग जाओ, हो जाएगा, बड़ा कर्रा नेता है। उसके बाद जिसका भी नाम देवेंद्र हो, देवेंद्र जिसका भी नाम हो मिलता जुलता खड़े हो सकते हैं। देवेंद्र कुमार जल्दी आइए। बोलिए पंडोकर सरकार की। इस पे हाथ मत लगाइए, माइक पकड़िए, पास में रख के आइए। कहाँ से आए भैया? मथुरा से। महाराज क्या समस्या लेके आए? बेटे की बहू का जो तलाक का केस है। किसका? आपके बेटे की बहू। अच्छा मेरे बेटा बात। हाँ समझ गया भाषा। हाँ बोलिए क्या नाम बेटे का? पंकज शर्मा। बहू का नाम क्या है? नीतू कटारा। नीतू कटारा जी। तो क्यों तलाक देना चाहती है बेटा? पता नहीं सर, आना ही नहीं चाहती खूब। बेटा देना चाहता है, बहू देना चाहती है? बहू। पढ़िए, माइक नीचे रखिए, माइक नीचे रखिए, आप पढ़िए। ये लिखा है नीतू दीक्षित द्वारा तलाक का योग है, 5-6 माह आपके बेटे के साथ रही है, बालक पंकज से दूरी चाहती है, देवेंद्र शर्मा पिता का नाम गोपी चंद्र शर्मा जी, आप दोनों जेल जाने का योग बनता है, दहेज प्रकरण लगा सकती हैं, लड़का लड़कियों में करैक्टर को लेकर के विवाद हुआ है, इसीलिए बेटी ने भी ये निर्णय लिया है कि अब हम इस घर में नहीं आएंगे, तो तलाक का योग है 99%, पुनः शादी होगी और
अच्छी लड़की से शादी होगी और आप चाहते हैं कि यदि वही लड़की वापस आ जाए तो उसके लिए पूज्यपाद सद्गुरु भगवान से आत्मा से प्रार्थना करनी है। क्या चाहते हैं, माइक बोलिए। तलाक चाहते हैं। तलाक चाहते हो, धन्यवाद महाराज। प्रीति बेटी है, प्रीति जज की तैयारी कर रही है। प्रीति जज की तैयारी कर रही है, कहाँ कर रही है? कोचिंग कर रही है। प्रीति पक्का बेटी है? प्रीति चित्रांग सेना। आपके क्या लड़की है? एक ही है, हमने लिखा है, पढ़ी है। चित्रांग सेना। अरे मैं मालूम है, तुम क्या बताओगे, मुझे लिखा है प्रीति न्यायाधीश पद प्राप्त करेगी, आशीर्वाद है। महाराज घर में बीमारी बहुत। इस विधि को नियम से करिए, बड़ा दर्शन करें। माइक नीचे रखिए, नीचे उतरिए। चलो चलो, हो गया हो गया, ज्यादा नहीं पूछना चाहिए। कन्हैया लाल जी यादव, पिता प्रभाती लाल, कन्हैया लाल जी को है, कन्हैया लाल यादव पिता प्रभाती लाल, पास में आइए, माइक उठाइए। कहां से आए बेटा? माइक से बोलिए। जयपुर से आया हूँ। माइक से बोलिए। जयपुर से आया हूँ। जयपुर से क्या समस्या लेके आए? मेरे घर पे माँ बाप बीमार रहते हैं, घर पे माता पिताजी बीमार रहते हैं, और मेरी पत्नी का केस चल रहा है 2023। पत्नी का केस चल रहा है? तलाक का केस चल रहा है। क्या हो गया भैया, तलाक क्यों हो गया? बच्चे भी मेरे विपक्ष में है और घर पे काफी। पत्नी ने तलाक क्यों दिया? क्यों दे रही पत्नी तलाक? सर वो तो आप ही जाने, हम ही जाने। सुनिए कन्हैया लाल जी, स्त्री का नाम रेखा देवी है, उर्फ नाम राजेश देवी है, तलाक देना चाहती है स्त्री 99.1% ऐसा योग बनता है, बालक भी तुम्हारे खिलाफ में है, आपके निष्क्रिय घर में रहने के कारण पत्नी आपको छोड़ने का वचन लिया है। करेक्टर आप दोनों का सही है, ना वो गलत है ना तुम गलत हो, क्योंकि हमने बोलना बंद कर दिया है, बाकी समझदार हो, समाधान होगा, आशीर्वाद है। घर पे रात को अंदर कोई चीज दबाती है। आप कोई शादी दूसरे का करना चाहते हो? नहीं, मैं नहीं चाहता। पहले कोई लफड़ा हुआ था क्या? अभी तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, मैटर क्या था? बस मैं घर पे माँ बाप से अनबन रहना, भाइयों से अनबन रहना, यही है। माँ बाप की सेवा के कारण आप की पत्नी का कहना था कि साथ रहें तो हम साथ रहेंगे, अन्यथा चले जाएंगे, यही है ना। और ये किरण नाम की महिला को लेकर आरोप गलत लगाया है, समाधान होगा, आशीर्वाद है। बच्चे भी मेरे पक्ष में हो, बच्चे मिल जाएंगे, और आपकी पत्नी तो नहीं मिलेगी, लेकिन बच्चे पैसे संपत्ति लेने आएंगे, बाकी के आप रखे रहिए, समाधान होगा, आशीर्वाद। घर छोड़ देंगे, मेरे घर पे रह रही है वो। ये चाहते हैं कि वो पत्नी बच्चे मिल जाए और पत्नी संपत्ति छोड़ दे। इस समय तुम्हारे दूसरे मकान रह रही ना कब्जे करके, तुम्हारे मकान में रह रही पत्नी ना, गलत कह रहा हूं क्या? बस तुम एक साथ नहीं हो, इतनी तो बात है। बात माइक उठाइए। मैं हॉस्पिटल में रह रहा हूँ और पत्नी तुम्हारे घर में रह रही कब्जे करके। घर पे रह रही है तो सही तो रह रही है, घर जाता हूँ झूठे बोले। हमने क्या बोला कि दोनों सही है, लेकिन तुम माँ बाप को छोड़ नहीं रहे, पत्नी तुम्हारे संग रहना नहीं है, वो कहीं माँ बाप को छोड़ो तो रहो, तो वो मकान भी खाली होना चाहिए फिर बाद में। चलो मकान खाली करा देते, माँ बाप बलाई नहीं छोड़ो, कोई याद नहीं, चलो रखो भाई। बोलिए पंडों को सरकार की। रेणु अनुरागी कोई है?
तेजी से आ जाइए ना, 14 सेकंड बाद इनको भी हटा देना। जिसका भी नाम बोले वो 14 सेकंड के अंदर ही आए। आइए यहाँ बैठिए, पास में आइए, माइक उठाइए। दीदी कहाँ से आई हैं? नौगांव छतरपुर। नौगांव छतरपुर, छतरपुर पास में आइए। और क्या समस्या लेके आई, सब लोग सुन रहे हैं, बोलिए। पति की नशा की परेशानी है जो 18 साल से ज़्यादा कर रहे हैं, कई बार एक्सीडेंट हो चुका है। पढ़िए, भूपेंद्र अनुरागी शराब एवं मदरा छूटेगी वर्ष 2024 तक, परंतु तंत्र बाधा का कारण है 12-13 वर्ष पूर्व जावेरा दमोह जिला में आपका पति जॉब करता था, किसी रोटी वाली महिला ने तंत्र बाधा कराई है, मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने वचन ले रखा है, समाधान होगा, आशीर्वाद है, पति से पूछिएगा, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद। वैसे आपको जानकारी होगी ये बात की, राइट? या हनुमान जी पे आस्था रखें, गुरु कृपा होगी, पंडोगढ़ धाम 5 महोत्सव करें, पति की मदरा छूटेगी, तंत्र बाधा नहीं रहेगी, आशीर्वाद है। हतार कवर, पति का नाम महावीर सिंह, दतार या हतार को भी हो, ऐसे कुछ हो, जिनके पति का नाम महावीर है, ऐसा कोई आया? जिनके बच्चे इटली में रहते हैं, इटली में हैं, शादी के लिए आए हैं, ऐसा कोई है? पर्चा बन गया उनका, आज आवाज सुन रहे हैं, कोई भी हो ऐसे व्यक्ति तो आ जाइएगा। राखी उर्फ सुमन, शीघ्र आइए। माइक उठाइए, कहाँ से आई? फिरोजाबाद, सीधे बैठो, इस तरफ घुमो करिए, हाँ दीदी सीधे करिए, इस तरफ घुमो, और सड़क के आगे आइए। हाँ, क्या परेशानी लेके आई, सुनाइए, सब लोग सुन रहे हैं। शादी और जॉब के लिए सुनाई नहीं दे रहा इनको, सुनाई दे रहा है, क्या बोल रही है, सुनाई दे रहा है, क्या बात है गेड़ा जी, तुम्हारे कान बहुत अच्छे हैं, गजब। हाँ तो क्या क्या चाहते हैं? शादी हो जाए और जॉब हो जाए, तो शादी आप अरेंज चाहेंगी या लव चाहेंगी? लव मैरिज। पक्का लव ही करोगी, अरेंज नहीं करोगी? माँ बाप की इच्छा तो नहीं करोगी? माँ बाप तैयार है, माँ बाप तैयार हैं। चलो पढ़ो, हमने लिखा है राखी, सॉरी शादी हाल में, शादी हाल में लव दिख रहा है। शिवेंद्र कुमार यादव से सिरसागंज निवासी से विवाह होगा, लेकिन लड़का ठिनगा है तो परिवार के लोग तैयार नहीं है, छोटा है हाइट में, लड़का आया भी है, ठीक है आया ना, जाओ हो जाएगी, आशीर्वाद है। तुम खुद लेके आई हो? शिवेंद्र जी खड़े हो जाइए, कहाँ है, डर के मारे बाहर है, माइक से बोलो, बुलाओ उसको,
शादी करना तो बुला लो, नहीं तो फिर कैंसिल। फिर सिवी क्या बोलती है, नाम क्या नाम रखा? सिवी बोलते हैं। सिवी बोलती है, कोई बात नहीं, अपने पति को रखे, अपने अपने होने वाले देवता का नाम रखे रहिए मन में, आशीर्वाद है, खुश रहो, आशीर्वाद। जाओ, योग बनता है, पांच कमल के फूल, दो कमल, पांच कमल के फूल, पांच गुलाब के फूल और इत्र सहित उनके नाम से हनुमान जी के मंदिर के पीछे रख दीजिएगा। शुभ शादी का योग बनेगा, लेकिन माता पिता की आज्ञा से करना, दोनों परिवार एक दूसरे की सलाह लेके करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो दिक्कत आ सकती है। बाकी लड़का आपको चाहता है, आप भी उसको चाहती है, आशीर्वाद है। देखो कथा इतने लोग सुन रहे थे, इन्हें ये सब चाहते हैं कि मुक्त ना हो जाए, महाराज जी खूब कहें कि मुक्ति मिल जाए, लेकिन वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं क्या, हमें नहीं चाहिए कथा, हमें तो चाहिए पर्चा। ये गलत तरीका है, स्वार्थ वाला काम करते हैं तो समाधान तो पूजन अनुष्ठान तप जप से होता है। आप कथा सुनेंगे तो कल्याण होगा, भला होगा, और हमारा ये कथा कराना भी सार्थक होगा, ठीक है। लेकिन आप लोग पढ़े पढ़े बढ़िया खूब अन्नपूर्णा का प्रसाद पाते हो और वहीं से ये माइक लगे रहते हो, वहीं से सुनते रहते हो, कहते महाराज ने कहा सुनना है तो सुनते रहते हो, यहाँ आके कौन बैठे है ना, यही है ना। बोलिए पंडोगा सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री अतिवान जी महाराज की जय, जय श्री राम। सुबह दरबार जल्दी प्रारंभ होगा, आशीर्वाद है। नहीं लोग कहेंगे तो जल्दी तो क्या, शाम को ही होगा, नहीं आज जल्दी हो जाएगा, चिंता मत करो, क्योंकि थोड़ा थकान है ना, मैनेज करना पड़ रहा है। बोलिए पंडोकर सरकार की, बहुत लोड रहता है। इसके बाद जिस किसी का नाम सविता देवी हो तो खड़े हो जाए, सविता देवी, सविता देवी, जल जो सविता देवी हो जल्दी आ जाए। अरे आ गई एक सविता, आ गई एक, तुम ही सविता होगा तो सविता कोली आ, तो आ जाओ फिर, तुम ये नहीं को है, तुम बैठ जाओ वही। पास में आइए, दीदी माइक उठाइए, थोड़ा सीधे बैठिए और पास में आइए बेटा। कहाँ से आई बहन? माइक उठाइए, माइक से बोलिए। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हिंदी आती है? आती है। कहाँ रहती है महाराष्ट्र में? जलगांव में, चालीसगांव में। जलगांव जिले के चालीसगांव में। चालीसगांव में, एक गांव में क्यों नहीं रहती हैं आप? गांव का नाम चालीस है कि चालीस गांव में रहती हूँ अलग अलग? नाम ही वही। अच्छा, हमने की जलगांव क्षेत्र में चालीस गांव में रहती है, हमने कहा हो गया। तो बहन क्या परेशानी लेके आई, क्या दिक्कत लेके आई, सब लोग सुन रहे हैं, बताइए माइक से बोलिए। गुरुजी मेरे हाथ पे ना सोरेसिस का प्रॉब्लम हो गया है। अच्छा, हाथ में? हाँ। हाथ तो आपको दिखाइए, वहां दिखाइए कैमरे में, देखना कैमरे में, यहां दिखाइए सामने, हाँ हुआ है, क्योंकि ये आंखों से कम दिखता, वहां से ज्यादा दिखता है। डॉक्टर ने क्या बताया बेटा इसको? सोरासिस कहा है। सोरासिस कहा है? हाँ। कब से है बेटा ये? 9 महीने हो गए। 9 महीने हो गए, पढ़िए। चरम रोग है सोरासिस, चमड़ी इन्फेक्शन। सविता कोली हाथ में चरम रोग है और ये अधिक सावन लगाने से है। आप कपड़ा धोती हो क्या? हाँ, पहले धोते थे, अब मशीन का यूज। हाँ, अब मशीन का यूज कर रही हो, क्योंकि इसमें आ गया कपड़ा धोने से स्थिति बनी है, लिखा नहीं है, मौका दे। हाथ में चरम रोग है, पुत्री धनाश्री की पढ़ाई में सफलता मिलेगी, मेडिकल नेट
भविष्य में पीजी सिलेक्शन हो गई, आशीर्वाद है। पंडो का धाम पांच महोत्सव करें, आशीर्वाद है। गुरु जी आपने कहा था कि वो उपाय वो सोनुमा जी बताएंगे, इसको आपको जो भी पर्चे में लिखा है उसको करना है, और शेष आपको ज़्यादा कोई सावन का यूज नहीं करना है। सावन का यूज करेंगे तो दिक्कत आएगी, ठीक है। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। जब जब तुम सावन ज़्यादा लगाते हैं तब तब पपटी जम जाती है, यही है ना, लाभ होगा, आशीर्वाद। आप सभी लोग ऊंचे ऊंचे हाथ करके, लंबे लंबे हाथ फैला करके, ताली बजा करके बोलेंगे चलो श्री राम जय जय राम, बोलिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम, बोलिए श्री राम नाम भगवान की जय, श्री पंडोक सरकार की जय, सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की जय, जय जय श्री राम जय जय श्री राम, बोलिए श्री पंडोक सरकार की। इंदौर महानगर में 9 जून से 11 जून तक होने वाले दिव्य दरबार एवं सत्संग में सभी भक्त लोग अवश्य पधारे। निःशुल्क दरबार, सभी प्रश्नोत्तरें आपको मार्गदर्शन किया जाएगा। श्री पंडोकर सरकार दरबार मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ नेता श्री तुलसीराम सलावट जी, श्री चिंटू सलावट जी एवं सेवा समिति के सभी पदाधिकारी गणों के तत्वधान में विशाल दरबार मध्य प्रदेश के भोपाल क्षेत्र के सभी भक्त लोग पधार कर झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, उज्जैन सभी भक्त लोग अवश्य पधारें। पहले से जगह वहां के लेके रखें, क्योंकि भारी संख्या में वहां दरबार लगने जा रहा है, बड़ा दरबार लगने जा रहा है, जो दुनिया का ऐतिहासिक दरबार इंदौर महानगर में होने जा रहा है। आप सभी लोग दरबार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और दरबार में दरबार का लाभ उठाएं। सभी भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। 8 तारीख को इंदौर महानगर में विमान द्वारा दतिया से इंदौर के लिए प्रस्थान करेंगे, लेकिन दरबार 9 तारीख से 11 तारीख तक ही रहेगा। 12 तारीख से पुनः पंडोकर धाम में आप सब भक्तों की मुलाकात होगी। जय श्री राम, जय पंडोकर सरकार। 9 जून इसको डाल देना। इसके बाद जिसका भी नाम गजेंद्र कुमार हो, गजेंद्र कुमार जाति ब्राह्मण, छोटू दादा का चैलेंज, क्या बात,
आपको छोटू दादा ही मिले फास ना। आओ माइक उठाओ, हाँ कहाँ से आई हो, माइक से बोलिए क्या समस्या लेके आई है, माइक से बोलिए। माइक से नहीं बोलूंगी, नहीं बताऊंगा, अपना प्रश्न रखिए, उत्तर पाइए और नीचे उतरिए, बताइए क्या चाहती हैं आप। मैं घर बसाना चाहती हूँ। घर बसाना चाहती हूँ, पढ़िए। गजेंद्र कुमार जाति ब्राह्मण, पति दूर होना चाहता है, तलाक का योग है, आपका नाम मनीषा शर्मा है, ठीक है ना, और बनवारी लाल जी की आप पुत्री हैं, आपके योग के कारण आपके पति ने आपको छोड़ा है और वो आपसे दूर होना चाहता है, थोड़ा अपना ईगो हट कम करिए, ठीक है, पति मिल जाएगा, और ज़्यादा ईगो उठाओगी तान करोगी, तलाक 100% है, रुकेगा नहीं, फिर आपकी शादी या उसकी शादी पता नहीं कहाँ होगी, वो तो वक्त और समय बताएगा, लेकिन यदि आपको वहाँ वापस जुड़ना है पति से तो अपना टेम्परेचर कम करो, और 5 गुलाब के फूल, 2 बड़ी सिपाड़ी जो बड़ी वाली होती है, छोटी पूजा वाली होती है, उससे बड़ी और एक और होती है जो खाने वाली होती है, बड़ी सिपाड़ी का अपने ऊपर से 7 बार उतार करके पुष्पावती में जल में डालेंगे तो सफलता मिलेगी 101%, आपका पति आपका हो जाएगा, आशीर्वाद है। ठीक है ना बेटा, और इसको कर लेना, इतना ये समझ में नहीं आए तो YouTube पर सर्च कर लेना हमने क्या क्या बताया, रोने से कुछ नहीं होता। बोलिए पंडोकर सरकार की जय, जय श्री राम। प्रज्ञा देवी आ जाइए, पास में आइए बहन, बस पैर नहीं छूना, पालती वाले बैठिए और सिर पे ये दुपट्टा डाल लीजिए और पास में आइए, माइक उठाएं, क्या नाम है आपका, खुला है, खुला है, प्रज्ञा, शादी हो गई, हाँ शादी, कहाँ हुई है, लखनऊ, क्या समस्या लेके आई, क्या परेशानी बताइए, क्योंकि जब आप मेरे पास कमरे में आई थी तो आपके पिताजी आ गए थे, जब पिताजी अंदर है तो बोले भाई बेटी बाहर है, तो हमने तुम दोनों भागो यहाँ से, दोबारा मिलो ना। सर मेरी नौकरी अच्छी है, अच्छी नौकरी नहीं है, अच्छी नौकरी नहीं है, और पति से नहीं बनती, पति से नहीं बनती, कारण वही उन्हें लगता है कि मेरे पास अच्छी नौकरी नहीं है, मैं उनको सपोर्ट नहीं कर पाती, उन्हें लगता है कि आपके पास अच्छी नौकरी नहीं है इसलिए वो आपसे दूर हैं, तो पति आपको साथ नहीं देती हैं, पति के आप नहीं नहीं रहती हैं, शादी को कितने साल हो गए हैं, 1 साल हो गया, 1 साल हो गया, उन्हें लगता है मैं उनका सहयोग नहीं कर पाती, उनको लगता है कि आप उनको सहयोग नहीं करती, क्या किस चीज़ में सहयोग नहीं करती, रोटी बनाने में, सही तो मैं बनाती हूँ फिर भी उनको पसंद ही नहीं आता, मेरे हाथ की रोटी उन्हें पसंद ही नहीं आती, बेकार लगती, मेरे हाथ की सब्जी दाल सब बेकार लगती है, तो फिर क्या करने, होटल की मंगा लिया करो, ऑनलाइन ऑर्डर कब तक करें, ऑनलाइन उनको अच्छा लगता है जब मंगा लेते, चलिए तो आप अपने पति के साथ रहना चाहते हो, हम रहना तो चाहते हैं लेकिन मेरे पास नौकरी भी नहीं है और वो भी मुझे पसंद नहीं करते, तो क्या करें फिर बताइए, मैं मुझे समझ में नहीं आ, तो आपको छोड़ना है उनको, नहीं मैं कुछ समझ भी नहीं पा रही, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आप कितनी पढ़ी लिखी हैं, मैं मास्टर्स हूँ, हैं मास्टर्स पोस्ट ग्रेजुएट, ओह
किस जाति में है? ब्राह्मण है। और जो आपका पति है वो ब्राह्मण है। अच्छा, क्या आपके पति का नाम धीरेंद्र है ना? पढ़िए, पकड़िए नहीं बस देखिए, यदि समझ नहीं आया तो टोक दीजिए। हमने लिखा श्रद्धा देवी पुत्री का लव चल रहा है तन्वी नाम के लड़के से, राजपूत, शादी होना हाल में संदेह है, आप ज़्यादा गलत निर्णय ना लें, आपकी एक बहन का लव चल रहा है तन्वीर से, क्या ये बात आपको मालूम है? हाँ। ये बात सत्य है? सत्य। चलिए, अब लग गया प्रज्ञा देवी, आपका नाम नाम है, तलाक का योग बन रहा है पति धीरन तिवारी से, तलाक का योग है, स्त्री कल्पना मतलब आपकी माँ का दिमाग ठीक रहेगा, तंत्र का प्रयोग है, पति रखना तो चाहता है परंतु अवदेश के घर, अवदेश का पुत्र है, इसके घर में तंत्र क्रिया है, वो तंत्र या क्रिया के कारण आपका दिमाग उच्चाटन हो गया है, तो आपका उस घर में दिल घबराता है, घबराहट होती है, तो आप पति के ऊपर हावी हो गई थी और आपने उनको शंका की दृष्टि से देखना चालू किया, तो उन्होंने तोड़फोड़ मचा दी और आपको पोलसी से घर भेज दिया और वहां से बोल दिया कि अब मत आना। यही है, मैं गारंटी देता हूं, हनुमान जी से प्रार्थना करें, सफलता मिलेगी और आपका पति धीरेन्द्र प्राप्त हो जाएगा। आप डिप्रेशन की ओर जा रही हैं, डिप्रेशन को खत्म कीजिए, जो कि आप खुद पढ़ी लिखी हैं और आप इतने पढ़े लिखे होने के बाद आपने मास्टर डिग्री प्राप्त कर रखी है और उसके बाद यदि आप आम बच्चों की तरह हरकत करेंगे तो निश्चित लोग आपको पागल समझेंगे, ठीक है? और पति ने छोड़ा नहीं है, मात्र आपको एक चेतावनी दी है, यदि आप ठीक हैं, अच्छे हैं और घर में अच्छे से रह सकें तो रहिएगा, अन्यथा मैं आपको तलाक दे दूंगा, ऐसा कहा है। हाँ, ऐसे ऐसा ही है ना? हाँ, हाँ। तो इसको तलाक का करार ना देकर, तलाक की बात ना कहकर, ये शाब्दिक आपकी दोनों की कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है, जब तो ईगो टॉन होगी तो निश्चित दिक्कत होगी। और आपके घर में वो उनका कहना है कि तुम्हारी मम्मी भी पागल है, तुम्हारा घर पागल है, तुम भी पागल हो, मेरे बच्चे पागल हो जाएंगे, इसलिए मैं आपके साथ नहीं रह सकती। शब्द थे ये, आपको शब्द कैसे पता चले? मुझे ये सब नाम पता, घर पता, तो मैं ये पता नहीं कि मैं कैसे पता, हनुमान जी कृपा करेंगे, पंडोगढ़ धाम पांचवा उत्सव करें और आपका पति आपको रखेगा और आप पागल नहीं उत्साह बन के जाएं और उनको बताएं कि तुम जितने पढ़े हो उतने कहीं कुछ भी नहीं पढ़े, तो अपनी पढ़ाई का उपयोग करिए ना। ठीक है, धन्यवाद, जय पंडुगर सरकार। और यदि तुम पागलपना करोगी तो जरूर तलाक हो जाएगा। अब बताइए, ये अंदर आई तो हमारे गेटवान ने कहा होगा कि भाई एक व्यक्ति जा सकता है, तो बाप बोला कि मैं जाऊंगा, यानी पिता, पिता बोला हमारी मोड़ी को बुला लो, तो हमने कहा भाई साहब दरबार धागा बंधवाई है, तो हमने कहा भाई साहब इतना मेरे पास टाइम नहीं, दरबार में जाइए, मैं वहीं आपसे बात कर लूंगा। मैं लगा कि दोनों परीक्षा लेने आए, तो ऐसे लोगों को मैं दरबार की ओर भेज देता हूं, चाहे फिर अच्छा लगे या बुरा लगे। ओम प्रकाश राजपूत, नथू सिंह, वाह, आइए। हाँ भाई साहब, अब बात कर लो जो करने हो हमसे, हम तैयार हैं, बैठिए।
पहले तो आपके जेब में एक 500 का नोट है, वो दीजिए। हाँ निकालो, और फौजी साहब उसका नंबर ये है, आप कोई भी निकाल लो निकलेगा जी। अरे को निकाल लो, कहूं से निकाल लो, दम हो निकाल लो, यस यही नंबर निकलेगा, क्योंकि आपने कहा ना कि हम कैसे जानते हैं, मैं ऐसे ही जानता हूं। चल चल चलो चलो निकाल निकाल निकाल, क्योंकि तुम्हारी पत्नी लिवा लिया यहाँ जबरदस्ती, तुम्हारी पत्नी लेके आई ना। हाँ हमें पता है, आओ देख लो मिला लो। आपने यही क्यों निकाला, यही क्यों निकाला, क्या आपने बताया था? चलिए आप समस्या बोलिए। मैं शुभदार मेजर ओम प्रकाश, मैं राजस्थान से सीकर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, मऊ में अभी मैं पोस्टेड हूँ। बेटे की शादी की थी, वो लड़की थोड़ी सी चरित्रहीन है और उससे जो है, ऐसा शब्द का उपयोग मत करें ड्रेस में आप, क्या करूँ तो। चलिए कोई बात नहीं, आप मैंने बता दिया क्योंकि ड्रेस का कोई मर्यादा ना। जी बोलिए। उससे बेटे की तलाक चाहिए और दूसरी लड़की अक्षिता है, उससे जो है उसकी दूसरी शादी। पढ़िए पास में आइए, पकड़िए मत, देखिए बस। यदि गलत, निकिता देवी द्वारा बहू द्वारा तनाव बना है, पति दीपक पर वशीकरण है, प्रेम जाल में फंसा है, जेवर लेकर और बच्चे को लेकर छूमंतर हो गई है, साथ ले गई आपके लड़के को, अब लड़का ही पत्नी के साथ रहना चाहता है, तुम लक्षिता क्या करेगी? तो हमारे हिसाब से तो निकिता ही रहेगी, या लड़का सुसाइड करेगा, इतने दबाव में है। लक्षिता से शादी का योग नहीं है। रेवत सिंह का, रेवत सिंह नाम है, माँ का नाम संपत कंवर है, और वो मुसलमानी तंत्र का प्रयोग किया गया है, उसकी माँ ने किसी मुस्लिम से संबंध दोस्ती है या उससे इतना प्रेम है कि उसके कारण एक सैयद पीर द्वारा तंत्र का प्रयोग है, समाधान होगा, आशीर्वाद है, आशीर्वाद। लक्षिता शादी नहीं हो पाएगी, अच्छी तरह नहीं हो पाएगी, हाँ योग है। जी लीजिए, हमने आपके जो भी मन में है वो हमने यहाँ अभी लिख दिया है, पहले नहीं लिखा था, बाद में अभी लिखा है। उदयराम गुजर का गुप्त प्रश्न आप लेके आए हैं, होटल रेस्टोरेंट खुलेगा, आशीर्वाद है, पीछे लिख दिया है। बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, मुझे आपकी भी गरिमा देखनी है, आप ड्रेस में हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि आपका व्यक्तिगत आस्था श्रद्धा है, आप आए तो मुझे तो, आप प्रश्न करोगे तो मुझे उत्तर तो देना ही पड़ेगा। आपके घर में वशीकरण है और ये बहू लड़की के ऊपर भारी है, और लड़का बगैर बहू के नहीं रह सकता, तो लड़का बहू दोनों छोड़कर आप लोगों को अलग हो गए हैं, और जेवर संपत्ति पैसे भी लेके भाग गए हैं, ऐसा ही है ना। सो मुसलमानी तंत्र का प्रयोग है, मैं बोल रहा हूँ ना, तंत्र खत्म, पंडों का दाम पांचवा उससे करनी है, बढ़ा जाना है, और वहाँ जो हमने उपाय उसमें लिख दिया है उसको कर लीजिएगा, और वो 600 कहाँ चला गया ये, 642 नंबर का जो नोट है इसका आटा लेना है, और जो आटा लेकर के छोटी छोटी गोली बना करके पुष्पावती में डालना है। आज मैं फिर बोलो करो, आप डालिए अच्छी बात है, क्या आज भी डालिया है, बगैर कहीं डालिया है, 5 को डाल गया आप, अब 500 को डाल गया, ये जाइए आपसे। आपकी पत्नी तो ठाकुर जी को गोद में लिए हैं और वो ही आपको यहाँ लेके आई है, ठीक है, वही हमारा वीडियो देखती है।
तो उसके ऊपर आशीर्वाद है, लेकिन उसका जो प्रश्न है वो आपने नहीं पूछा, क्योंकि कहाँ तो आपका टाइम है, पहले बेटा की पूछेंगे, हर आदमी को बेटा चाहिए, तो उसको खुजली मस्ती शरीर में खुजली ठीक हो जाएगी, आशीर्वाद है। चलो जाइए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए आइए आइए, अब आपकी खुजली बंद हो जाएगी, है ना, हाओ खुश रहो, हाँ बेटा को निकाल देंगे, चिंता, हाओ जाओ भग जाओ। मधु वैष्णो को ये है, बोलिए श्री पंडुका सरकार की जय, जय श्री राम, बोलिए पंडुका सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री अतिवान जी महाराज की जय, जय श्री राम। आज शनिवार भी है, आज अर्जियां भी लगनी है, सभी लोग अपने मंच पे आ जाएं, थोड़ी देर बाद मैं पेशी लगाने जा रहा हूं, संपूर्ण प्रेतादि आदि संकट निवारण वालों के लिए, और जो जो आपके आपको याद हो कि हमारे घर में किसी पे सवारी आती है, वो कोई साथ में आया है, तो उनके परिजन लोग भी साथ ही रहेंगे, ध्यान रखिएगा कि 15 मिनट बाद आह्वान करना सुनिश्चित हुआ है। पास में आइए, माइक उठाइए, कहाँ से आए, राजस्थान से, क्या समस्या लेके आई है बेटा? गुरुजी मेरे पति ने छोड़ रखा है, तलाक दे रखा है, क्यों, कारण? दूसरी लड़की से अफेयर था उनका, उस लड़की का नाम जानती है क्या? नहीं। पढ़िए, हमने लिखा है एक पुत्री 7 वर्ष की आपको गोद में है, उसका नाम भूमिका है या भूमि है, और माधु जी, ठीक है, शादी का वर्ष 25 अप्रैल या 28 अप्रैल, कितने अप्रैल है, हमने कितने लिख रहा है, ठीक है, 28 अप्रैल 2015 में विवाह हुआ है चेतन शर्मा से, चेतन शर्मा आपको रखना नहीं चाहता है, ज्योति नाम की लड़की से विवाह करना उसने मन में सुनिश्चित किया है, सो अभी हाल में होना संदेह है, आप ससुराल पहुंच जाएंगी, आशीर्वाद है। थोड़ा कानून का सहारा लीजिए, सफलता मिलेगी, पंडुगढ़ धाम 5 में हो सकते हैं, गुरुजी मेरा, और जो पक्ष में हो जाएगा, जॉब के लिए भी पूछना है, मैं तैयारी कर रही हूँ, प्रिपरेशन चल रहा है, माइक नीचे रख दो और जल्दी नीचे भाग जाओ। कमल पूर्वाल, नौ जून से 11 जून तक समय शाम 4 बजे से 7 बजे तक, स्थान गांधीधाम कॉलोनी हाट मैदान एबी रोड मंगलिया इंदौर मध्य प्रदेश में श्री पंडोकर सरकार दिव्य दरबार श्री तुलसीराम सिलावट जी मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री व सेवा समिति के माध्यम से श्री पंडोकर सरकार दिव्य दरबार इंदौर महानगर में होने जा रहा है, जिसमें आप सभी लोग भाग लें और वहां से दरबार का लाभ उठाएं। जय श्री राम, जय पंडुका सरकार। पास में आइए, कहां से आए, माइक से बोलो, शामगढ़ साहेब मंसूर जी, गुटका खाते हो? नहीं, हाँ सर, बोल नहीं पा रहे हो, हमें लगा तुतले हो, पता लगा गुटका खाते हो, क्या दिक्कत है आपको? समस्या तो वही है सर के, क्या समस्या है? साडू भाई के साथ में भी काम, साडू भाई मेरे सगे साडू, हाँ ठीक है, फैक्ट्री में काम किया था, साडू भाई के साथ में तुमने काम किया था, क्या काम किया था? ये पंखे का, उसके बाद में मेरे पीछे से ही उन्होंने सब कब्जा कर लिया, साडू भाई ने कब्जा कर लिया और तुमने लात मार के भगा दी, भगाने के ऊपर ही रह रहा हूँ अभी तो, साडू भाई के जलवे है। चलो, पंखा बनाने वाली फैक्ट्री साडू भाई देवीलाल जी पोरवाल द्वारा नियत खराब हो गई है और आप में आपको दूर या पीछे छोड़ दिया है, आपको नजरअंदाज कर रहे हैं, समाधान होगा, आशीर्वाद है, आप अलग होकर काम करें, साडू भाई की नियत खराब है और बड़ी संपत्ति दबाने का
आपको बर्बाद करने का प्लान है, आके आप हटे। क्या नाम है साढ़ू भाई का? देवीलाल रत्नी का। धन्यवाद। हनुमान जी कृपा करेंगे, पंडो का सगर पे आस्था रखो, साढ़ू भाई पे ज्यादा विश्वास न करें, फर्जी है तो साढ़ू भाई भागो। माल अपना अपना, खर्चा अपना अपना, और दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना। क्या बात है साढ़ू भाई जी, वाह जलवे है साढ़ू भाई के। इसके बाद जिसका भी नाम ज्योति के विषय में कोई भी आया हो तो आ जाए। क्या नाम? ज्योति, आइए। पास में आइए। कहाँ से आई बहन? मंदसौर से। मंदसौर में कहाँ रहती हो दीदी? पारक कॉलोनी। पारक कॉलोनी। क्या समस्या लेकर आई बेटा? कुछ आवाज से आती है। क्या आती है? आवाज आती है, कान में आवाज आती है। कैसे आती है आवाज? मतलब कुछ भी बकता रहता है, गाली देता है। हाँ। और भूत आपको मारता पीटता नहीं है? हाँ, मेरे अंदर आके मारपीट करता है। आपके अंदर आके मारपीट करता है? हाँ। और कान में क्या क्या बोलता है? बहुत, मतलब 8 साल से उसकी आवाज़ें आ रही है और कोई बात मुझे याद नहीं रहती। अच्छा। आपके पति का नाम क्या है? कुलदीप सिंह। हाँ? कुलदीप सिंह। शादी के पहले से या शादी के बाद से? शादी के पहले से। शादी को कितने साल हो गए हैं? 4। हमने की टेस्ट कर लें दिमाग सही है कि नहीं? आपने पहले ही कहा दिमाग खराब है। हमने सुनो, पढ़िए यहाँ पे, ज्योति से एक शक्ति कान में बात करती है। पति आए आपके? नहीं, पापा आए। ज्योति से शादी एक जिंद ने कर रखी है और उस जिंद की पत्नी आप होने के कारण शादीशुदा होने के बाद अपने पति कुलदीप से शादी की है, तो एक जिंद से जिंद आपको पत्नी मानता है और पति कुलदीप राजपुरोहित, आप राजपुरोहित ब्राह्मण हैं। सफलता घर में प्रेत वादा है, तत्काल ही समाधान होगा। आपके मायके में मकान के पीछे एक खंडर टाइप का मंसूर में। मायके में मायका जोधपुर भी है। मंसूर जोधपुर, तो जोधपुर में मकान के पीछे एक शिवालय है, शिव भगवान का मंदिर, वहीं पर एक गण जिंद रहता है, वो आपको आते जाते में पकड़ लिया है और वो आपको पत्नी स्वीकार करता है और वो बोलता भी है कि हम, आप मेरी हो, हम दूसरे की नहीं होने देंगे, हम आपकी जान ले लेंगे, परवाह बर्बाद कर देंगे, और गाली गलौज करता है और मुसलमानी क्रिया का प्रयोग करता है, बोलता है ना। हाँ। और निवाज भी पढ़ के सुनाता है। क्या सुनाता है? क्या निवाज? नवाज। हाँ, ये सैयद जिंद है। समाधान होगा, आशीर्वाद है। हनुमान जी कृपा से आज आज आपको 21 दिन में कान की आवाज आना बंद, भूतवादा बंद, खेला खाली नहीं होगी, लेकिन आज सवारी आएगी, मंगलवार को आएगी और 21 दिन तक रोज सवारी आएगी, उसके जो भी डाले होंगे, जो भी अन्य लोग होंगे, सब पकड़े जाएंगे, फिर दिक्कत नहीं होगी। आशीर्वाद लीजिए। इसी के साथ तीनों गेट खोल दिए जाए, फ्राय मंत्री श्री वाचा सतनाम आदि शुरू का, सभी संपूर्ण शक्तियों का एक साथ आह्वान, 1 2 3 तेजी से। पंडुखर में सीता राम, जय जय श्री राम, सीता राम गाएंगे,
तेरा दरबार छोड़ कर न जाएगी, तेरा दरबार छोड़ कर न जाएगी। पंडोखर में सीताराम, पंडोखर में सीताराम, सीताराम गाएंगे, तेरा दरबार छोड़ कर न जाएगी, तेरा दरबार छोड़ कर न जाएगी। पंडोखर में सीताराम, पंडोखर में सीताराम, सीताराम गाएंगे, तेरा दरबार छोड़ कर न जाएगी, तेरा दरबार छोड़ कर न जाएगी, तेरा दरबार छोड़ कर न जाएगी। पंडोखर में सीताराम, पंडोखर में सीताराम, सीताराम गाएंगे, तेरा दरबार छोड़ कर न जाएंगे, तेरा दरबार छोड़ कर न जाएंगे। मन में है राम, मेरे तन में है राम, मेरे मन में है राम, मेरे तन में है राम, मुझको प्राणों से प्यारा है पंडोखर धाम, मुझको प्राणों से प्यारा है पंडोखर धाम। जैसे फुल पावर में राउंडिंग, मेरे मन में है राम, मेरे तन में है राम, मुझको प्राणों से प्यारा है पंडोखर धाम। जय हो जय श्री राम। पंडोखर सरकार के चरणों में सर झुकाएंगे, तेरा दरबार छोड़ कर न जाएंगे, तेरा दरबार छोड़ कर न जाएंगे। सीताराम पंडोखर में सीताराम, सीताराम गाएंगे, तेरा दरबार छोड़ कर न जाएंगे, तेरा दरबार छोड़ कर न जाएंगे। मेरे मन में है राम, मेरे तन में है राम, मेरे मन में है राम, मेरे तन में है राम, मुझको प्राणों से प्यारा के पंडोखर धाम, मुझको प्राणों से प्यारा के पंडोखर धाम। जय श्री राम। पंडोखर सरकार के चरणों में सर झुकाएंगे, तेरा दरबार छोड़ कर न जाए, तेरा दरबार जाएगी, तेरा दरबार छोड़ कर न जाएगी। धारा पुष्पावती की है अमृत सी, धारा पुष्पावती की है अमृत सी, जल में स्नान करने को माने न जी, जल में स्नान करने को माने न जी। पुष्पावती के जल में हम, पुष्पावती के जल में हम गोते लगाएंगे, तेरा दरबार छोड़ कर न जाएंगे, Thank you.
पंडो घर में सीता राम, पंडो घर में सीता राम गाएंगे, तेरा दरबार छोड़ कर न जाएंगे, तेरा दरबार छोड़ कर न जाएंगे। बनते हैं पंडो घर में सबके काम, बिगड़े बनते हैं पंडो घर में सबके काम, हाथी बान जी बिराजे हैं हाथी पे महान, हाथी बान जी बिराजे हैं हाथी पे महान, पंडो खर पर हा की रज, पंडो खर पर हा की रज हम माथे से लगाएंगे, तेरा दरबार छोड़ कर न जाएंगे, तेरा दरबार छोड़ कर जाएंगे, तेरा दरबार देवलिया जी से हम यज्ञ कराएंगे, देवलिया जी से हम यज्ञ कराएंगे, तेरा दरबार छोड़ कर न जाएंगे, तेरा दरबार छोड़ कर न जाएंगे। दरबार में तेज है, पंडो घर में सीता राम, पंडो घर में सीता राम गाएंगे, तेरा दरबार जो कर न जाएंगे, तेरा दरबार जो कर न जाएंगे। रूप भी छलोना गे, रूप भी छलोना गे और छबने राधी है, और छबने राधी है, रुक भी सलोना गे और छबने राधी है, रुक भी सलोना गे और छबने राधी है, रुक भी सलोना गे और छबने राधी है। यारो मेरे बाला की, सभी लोग हनुमान पंक्ति के खाते से जवान हो जाएं, हनुमान पंक्ति वाले बात गिन राधी है, यारो बाला जी की बात गिन राधी है, पंडो घर में सीता राम, पंडो घर में सीता राम गाएंगे, तेरा दरबार छोड़ कर न जाएंगे।